सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई राठ द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। तहसील संयोजक राठ संदीप राजपूत ने बताया कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो अपने स्थापना काल से ही छात्रहित तथा राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है। विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्र समस्याओं हेतु संघर्षशील रही है। इसी क्रम में शैक्षिकी सत्र 2021-2022 में बहुत से छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको विदित है कि देश पिछले कुछ वर्षों से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में छात्रों को निकट भविष्य में शुल्क के कारण किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इस हेतु सभी विषयों एवं विधाओं के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति का अविलंब उनके बैंक खातों में हस्तांतरण होना अति आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या का निदान करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता साथ में आंदोलन को बाध्य होंगे, उसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। इस अवसर तहसील संयोजक राठ संदीप राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी जेपी साहू, संयोजक संस्कार गुप्ता, ट्विंकल भटनागर, विभांशु शर्मा, राजू चौधरी, गोविंद राजपूत, सचिन पंडित, विकास यादव, अभी कृष्णकांत, राहुल, संजू श्रीवास, नितिन सर्राफ एवं अन्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? संदीप राजपूत। संदीप जी, आप यहाँ पे आज किस चीज का ज्ञापन देने आए? आज स्कॉलरशिप नहीं आई है काफी छात्रों की, ग्रेजुएशन वाले, तो उसी के संबंध में आज एडीएम सर को ज्ञापन देने आए। और क्या मांग थी? और मांग ये की है कि जिनकी स्कॉलर नहीं आई है, जल्दी जल्द उनकी स्कॉलर मतलब उनके खातों में डलवाई जाए, क्योंकि जो गरीब छात्र हैं कोरोना में वो वैसे भी हताश हो गए हैं, और छात्रवृत्ति नहीं आई है तो उनको पढ़ने में बहुत सी परेशानी आती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि छात्रों की सभी की जल्द से जल्द स्कॉलरशिप उनके खातों में ट्रांसफर की जाए। आपने ये मांग किससे की है? एडीएम। किसको ज्ञापन दिया, किसके लिए ज्ञापन दिया? छात्रवृत्ति मांगने के लिए सभी की। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।